am I trash? Because I enjoy Rent a Girlfriend. Or because I am trash, that's why I like Rent a Girlfriend. देखो दुनिया के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर ढूंढना मुश्किल नामुमकिन होता है। तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी फिजिक्स पढ़ लो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कुछ अनसॉल्वड मिस्ट्रीज हैं और उसमें से एक आता है कि What is this show? Fuck this show. बहुत सारे शोज के अंदर अपने को हैरम वाला कंसेप्ट दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा होगा और उसके साथ साथ चार या पांच या छह या जितनी भी बंदियां होंगी और वो सभी की सभी क्यूट एनिमे गर्ल्स उसी एक बंदे के पीछे पड़ी होंगी अलग अलग फीलिंग्स लेके। नहीं, सिंगल फीलिंग होगी लेकिन अलग अलग टाइप के लेके। Make sense? यही टाइप की सेटिंग बहुत सारे रियल लाइफ मैन के अंदर जो फेटिश होती है, दुनिया भर के सिंगल होते हैं, उनके अंदर की एक अंदरूनी इच्छा को टलटलाने की कोशिश करती है, उसको छूती है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको देखते हैं और ये हैरम वाले शोज एक के बाद एक बनते जाते हैं। लेकिन रेंट अ गर्लफ्रेंड जो कि ये गुनाह करने का प्राइम एग्जांपल है, उसको देखने के बाद ना अंदर से ऐसे फ्रस्ट्रेशन जाग जाती है क्योंकि ये एनिमे सीरीज स्टोरी टेलिंग के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एक के बाद एक एपिसोड देखते जाते क्योंकि अपने को पता करना है आगे चल के क्या होगा, कौन कौन सी अंदरूनी इच्छाएं पूरी करेगा ये, और इसीलिए इतना खराब होने के बाद भी पूरी तरीके से शो को देखना बंद नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए इसका मेन प्रोटैगनिस्ट ले लो, फक दैट गाय, उसके जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब इतना ज्यादा नालायक है ना वो, उसके बारे में सोचो तो मुझसे गाली निकलती है। तुम खुद अपने सामने देख लो, जिस बंदी को वो पसंद करता है परमानेंट है कि नहीं पता नहीं, वो बोल तो रहा है कि परमानेंट है लेकिन उसको बिलीव मत करना, बट उसके साथ जब फोटो निकालने का मौका मिलता है कैसी गूज ऐसी शक्ल बनाई है। लेकिन जितना बुरा उसका फेस दिख रहा था ना, उससे ज्यादा बुरा उसका ये दिमाग और उसका विल है। मतलब कि तेरे को कोई और लड़की पसंद है लेकिन तू किसी और को पसंद है, तो वो तेरे को बोलती है कि तू मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, हम लोग रिलेशनशिप में है, ये मान जाता है। फिर जब वही इसकी गर्लफ्रेंड एपिसोड नंबर 4 में इसके घर पे आती है नाइट आउट करने के लिए, वो भी पॉकेट लेके कंट्रोल कर लेता है, जो कि अच्छी बात है। अगर उसने नहीं कंट्रोल किया होता तो स्क्रीन को से चप्पल निकाल के मारा होता मैं, कैरेक्टर। लेकिन जब तुझे पता है कि तुझे कोई और पसंद है तो तू दूसरे को क्यों अपने साथ खींच के लेके जा रहा है भाई, उसको क्लियर बता देना। नहीं, एक साथ में दो तो चाहिए, साथ में तीसरी वाली के ऊपर भी नजर मारने से डरता नहीं है। अगर इस सबके पीछे कोई लॉजिकल रीजन दिया है तो वो मेरे को याद नहीं क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो चुका है देख के। और मतलब तुम भी इसके 2 सीजन क्यों देखोगे जब तुम सोचने जाओ कि ये लोग अपने को 24 एपिसोड के अंदर वही स्टोरी बार बार रिपीट करके दिखाए जा रहे और सिर्फ एक ट्रैप बनाए जा रहे तुम्हारी ठरक के लिए। बात सिर्फ ठरक तक लिमिटेड होती तो भी चल जाता। अबे कभी कभी तू इतने अजीब क्वेश्चनेबल चीजें बोल देती है ना, ये शो की बात कर रहा हूँ मैं भाई, पॉज करके 2 मिनट सोचता हूँ कि क्या बता दिया इसने, और वो रीड करने के बाद हंसी आती है और खुद के ऊपर गुस्सा भी आता है कि भाई मैं कैसा इंसान हूँ। इसके ऊपर से एक और चीज फ्रस्ट्रेटिंग लगती है कि इवन इफ यू आर बेटर देन दिस थर्ड ऑफ अ ह्यूमन, तुमको तुम्हारी लाइफ में चिजुरू जैसी कोई नहीं मिलने वाली। लेकिन आपने पता है कि स्टोरी के एंड में इसके साथ क्या होगा, आइदर ये अपने छोटे सुल्तान को खड़ा करने के बदले अपनी रीढ़ की हड्डी को टाइट करेगा और उसके मुंह पे जाके बोलेगा भाई तू ही पसंद है मेरे को, या फिर यही सीक्रेट वाला गेम जिंदगी भर खेलते निकाल जाएगा। लेकिन मैं मिजुहारा को लेके इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहा हूँ, बादल फिक्शन है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन तुम में से वो लोग जिनको रेंट अ गर्लफ्रेंड पसंद है, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछू कि क्यों पसंद है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर निकलेगा चिजुरू मिजुहारा है ना। और तुम सोच के देखो कि तुम अपनी जिंदगी के ऑलमोस्ट 8 घंटे 20 एपिसोड देख के क्यों निकाले सिर्फ एक लड़की के कारण जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती और स्टोरी के एंड में जाके उसको वो टट्टी ही मिलने वाला है। सीजन 2 का जब एंडिंग सॉन्ग अपने सामने आया ना, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि तुम भी देखो ये कितना बढ़िया फ्रेम है, मतलब पेंटिंग गजब की है। चारों के चारों मेन फीमेल कैरेक्टर्स को एकदम मॉडल की तरह पोज के अंदर बिठा है, लेकिन अपना प्रोटैगनिस्ट किधर है, नहीं है, क्योंकि वो इधर आना डिजर्व ही नहीं करता। इस शो को भी पता है कि इसके असली मेन एसेट्स कौन से हैं, और अब क्योंकि पेंटिंग्स वगैरह की बातें करें तो एनिमेशन को भी लेके आते हैं। भाई सीरीज के अंदर एनिमेशन था क्या, क्योंकि एक एपिसोड में से तो ऑलमोस्ट 50-60% वो लोग एक सिंगल फ्रेम को लेते हैं और उसी के अंदर स्लो जूम मारेंगे, नीचे से स्लाइड अप मारेंगे, बैकग्राउंड में डायलॉग चलता रहेगा, बस लिटरली एक फ्रेम के अंदर अगर गलती से कोई चीज मूव कर गई तो ऐसा मैं नोटिस कर लेता, ओ एनिमेशन है इसके अंदर, वो तो नहीं था लेकिन ड्राइंग की जो क्वालिटी है ना वो जरूर जबरदस्त थी। मिजुहारा को देखती ऐसे चलो भाई ये भी एपिसोड निकालेंगे। लेकिन जब रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 2 का लास्ट एपिसोड चालू हुआ ना, मैंने बोला एक मिनट, ये एकदम से उन्होंने कैसे डिसाइड कर लिया कि हमको राइटिंग स्किल्स दिखाने अपने, पूरे पहले के 11 एपिसोड तो तुम बकचोदी करते आ रहे हो और एकदम से लास्ट में नहीं चलो अभी भाई सीजन रैप अप करना है, कुछ तो स्टोरी बीट देनी पड़ेगी ताकि लोग अगली बार वापस से आए, और वो एपिसोड देखने के बाद तुम सोचने जाओगे तो फिर
कैरेक्टर्स लिटरली उसी जगह पे हैं जहाँ पे वो पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में थे। तो ये 12 एपिसोड तुमने क्या किया? क्या किया? बहुत ऐसे अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी यार, इतने टाइम से इसे दबा के रखा था। ठीक है, पहला सीजन देखा था मैं कचरा हूँ सोच के, भाई मेरे को पसंद आ गया था। लेकिन कचरे की भी एक इज्जत होती है, और क्योंकि अब अंदर का सारा फ्रस्ट्रेशन निकल चुका है तो फिर एक बात एडमिट करना चाहूंगा, मिजुआरा इज द क्वीन। ठीक है, गुस्सा होने का कारण भी वही है और शांत कराने का रीजन भी वही है। उनके लिए 8 घंटे तो क्या अपनी पूरी जिंदगी दे देंगे हम, बस वो कैरेक्टर के नाम पे जो टट्टी बनाई है उसको दूर करो जिंदगी में से। अब तुमको क्वेश्चन आ सकता है कि बादल इतनी ज्यादा तू बुराई कर रहा है, ठीक है, तो तूने पूरा सीजन देखा कि छोड़ क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये एक्चुअल में इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है कि तुम छोड़ दो इसको। भले कैरेक्टर्स, उनके मोटिवेशंस, उनका डेवलपमेंट कुछ ना हुआ हो, पहले एपिसोड में जाते हैं वहीं पे 12th एपिसोड में, लेकिन बीच में छोटे छोटे कांड वो लोग दिखा देते हैं जिसको देख के मजा आ जाता है। ठीक है, जज कर लो अब तुम लोग मेरे को भी, बस इतना बता देना कि सीजन 3 कब आ रहा है।